आप लोग यार वन साइड बात सुनते हो और उस पर इश्यूज बना लेते हो। कभी भी यार ऐसा मत करा करो, हमेशा टू साइड बात सुना करो, उसके बाद ही भाई अपना ओपिनियन दिया करो। अगर आपने पूरा वीडियोस देखा होगा, वो आगे से हाथ भी उसने उठाया, चिल्लाया भी, तो चलो यार बाकी बातें डिस्कस करूंगा तो बात और बढ़ेगी, क्योंकि मैं आ जा रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज करने बात। वो भी खुद से चाहता है कि बातों को सॉर्ट कर दें और मैं खुद से जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई हमारी जो भी बात है वो सॉर्ट हो जाए, बात आगे बढ़ के ना जाए। कुछ नहीं यार, जो भी लड़ाई थी अब वो सॉर्टेड हो चुकी है। बाकी कमेंट मत करना यार उल्टे सीधे, ठीक है? आप सपोर्ट करो बाकी और, ठीक है? ठीक है, जब जितनी भी ऑडियंस है हमेशा भाई टू साइडेड बात सुन के अपनी ओपिनियंस रखनी चाहिए। तो हमारे बीच भाई सारा सॉर्टेड हो गया है, बिल्कुल हेट वगैरह मत देना। अब भाई ऐसे ही हमारा आगे की वैरायटी वगैरह सक्षम भाई से आएंगे, जितना प्यार उनके व्लॉग्स में दे रहे हो उतना प्यार दो। और हेलो हे गाइस, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हूं आरवी, आप देख रहे हो आरवी एंटरटेनमेंट व्लॉग। होप आप सब बढ़िया मस्त स्वस्थ होंगे, ऐसे खुश होने भी चाहिए। तो एक और प्यारे से व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज का व्लॉग भाई, जैसे हमने कल की फाइट देखी हमारी भाई, जो भी हुआ था उसके बारे में थोड़ी डिस्कस करता हूं वीडियो स्टार्टिंग पे और वीडियो को लास्ट तक देख, बाकी सारी बातें एंड पे आपको बताऊंगा। रिक्शा का जो भी भाई थोड़ी बहुत जो भी बातें हुई थी मेरे को बताया रिक्शा ने, रिक्शा अच्छी खासी फ्रेंड है, उसने कहा मेरे को यार ऐसा सा किसी ने बदतमीजी करी, तो आप लोग होते आप बिना बात सुने ही कुछ भी यार उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हो। ये आपकी अपनी मर्जी या आपका अपना हेडेक रहता है कि आप कैसे किसी को प्रटेंड कर रहे हो। अदरवाइज अगर दोनों साइड की बात सुनते, हुआ क्या था, दीक्षा के साथ जो भी बदतमीजी करी उस लड़के ने, हमें जो सुनाई दिया, दीक्षा ने कहा कि उसने बदतमीजी करी, मेरे पास आकर रैप करा बाइक को एंड उसे बैड फील हुआ एंड उसने आके भाई उसको पूछने के मसले में उसका फोन गिरा दिया गलती से, माउंट डीला था फोन उससे गिर गया। बाद में जब हम पूछने गए वहाँ बदतमीजी चल पड़ी, जहाँ पे हाथ वाथ उठ गया एक दूसरे पे। तो मैं चाहता हूँ हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हमें आगे लिए लड़ाई को बहुत ऊपर लेके नहीं जाना है। मैं चाहता हूँ चीज को वहाँ पे खत्म कर दें। मैं एक दोस्त के पीछे पूछने गया था और वहाँ बदतमीजी हो गई, गुस्से गुस्से में बहस हो गई दोनों में। ऐसा नहीं भाई उन्होंने सिर्फ मेरे पे हाथ उठाया या ऐसा नहीं था मैंने उस पर हाथ उठाया, भाई दोनों ने गुस्से पे हाथ उठा दिया एक दूसरे पे, धक्के वगैरह चल पड़े थे। तो भाई दोनों साइड की हमेशा बात सुना करो, जो भी ऑडियंस होती है वन साइड आगे कमेंट्स वगैरह करती है, ऐसा नहीं करा करो, दोनों साइड चीज सुना उसके बाद भाई अपना आगे ओपिनियन दिया करो। और फिलहाल अब आज मैं जा रहा हूँ खुद से भाई सक्षम भाई के पास एंड मैं चाहता हूँ कि भाई जो पुरानी बात हो गई है उसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं उस बातों पे एंड आगे के लिए फर्दर वो चीज ना बढ़ाते तो ज्यादा बेटर रहता है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ आज सक्षम को भी दीक्षा को बुलाएंगे एंड भाई अपनी चीज सॉर्ट आउट कर देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो भाई मिलता हूँ आपको ऑन कैमरा। तो यार फाइनली मैं आ गया अपने कैमरा पे और भाई हम जा रहे हैं फिलहाल अभी सिद्रा भाई, यहाँ पे सक्षम और दीक्षा भी आ रखे हैं। यार आप सभी ने मेरा पहला वीडियो देखा जिसमें बहुत सारी लड़ाई हो रखी थी, आई थिंक ये मेरी पहली लड़ाई थी इतना भाई खतरनाक वाली। लड़ना तो था नहीं यार, लड़ना कौन चाहता है, लड़ मैं खुद नहीं रहा था, बट बात ऐसी थी आप लोग यार वन साइड बात सुनते हो और उस पर इश्यूज बना लेते हो। कभी भी यार ऐसा मत करा करो, हमेशा टू साइड बात सुना करो, उसके बाद ही भाई अपना ओपिनियन दिया करो। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े जो हमारे एंटी में खड़े थे कि यार आप ऐसे हो वैसे हो, चलो यार मुँह से बोलना भी क्या वैसे कमेंट्स, बट बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर दिया। अपना कोई भी ओपिनियन देना भाई मेरी टू साइड बात सुन के ही दिया करो। कुछ लोगों ने उल्टा सीधा बोल दिया वन साइड बात सुन के। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार एक बंदा गलत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यार दोनों की गलती होती तभी लड़ाई आगे बढ़ती है। अगर वो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर था, अच्छे उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब, मेरे को बाद में पता चला ये सब, उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे यार, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्यार से बोलता कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बात को इतना आगे मत बढ़ा के लो, और ऑब्वियसली आप बात को उस लेवल तक नहीं लेते। और अगर आपने पूरा वीडियोस देखा होगा, वो आगे से हाथ भी उसने उठाया, चिल्लाया भी, तो चलो यार बाकी बातें डिस्कस करूंगा तो बात और बढ़ेगी, क्योंकि मैं आ जा रहा हूं कॉम्प्रोमाइज़ करने बातों को। वो भी खुद से चाहता है कि बातों को सॉर्ट कर दें और मैं खुद से जाता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई हमारी जो भी बात है वो सॉर्ट हो जाए, बात आगे बढ़ के ना जाए। यार अब मेरा सिंपल सा इशू था, मैं अपने दोस्त के पीछे गया था। अगर आप लोगों की बात आए, आप भी लोग ऐसा ही करोगे अपने दोस्त के लिए, कौन लोग दोस्त के लिए नहीं करता यार। तो अपना जो भी था यार अपने दोस्त के लिए हर कोई करता है। दोस्त को यार कुछ भी अगर दिक्कत आ जाए हम आधी रात खड़े हो जाते हैं। और अगर ये सुनने को मिले कि यार एक मेरी लड़की दोस्त है और उसको कोई छेड़ रहा है, तो यार बिल्कुल सुनने में अजीब सा लगता है ना, लड़कियों को छेड़ना ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी दीक्षा ने कहा मेरे को, तो मैंने सोचा कि दो साइड बात सुन के मैं फैसला लूँगा। और जब हम उसके पास पहुँचे तो भाई वहाँ पर सक्षम बहुत ज़्यादा हैवी हाइपर हो रखा था। हाइपर के मसले में भाई आपस में हाथ उठ गया दोनों पर। ऐसा नहीं हम अच्छे थे, ऐसा नहीं है वो पूरा गलत था, बट कहीं ना कहीं दोनों की गलतियाँ थी, तो वो लड़ाई आगे बढ़ी। तो यार कभी भी यार तुम जब वीडियोस देखते हो ना, यार मेरी अपनी इतनी फैन फॉलोइंग है नहीं कि मेरी तरफ से भी कोई आगे कमेंट्स करेगा, उसको जाके मेरी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं जाने। तो मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से कोई लड़ाई भी ना हो, ठीक है ना। अगर मेरी तरफ से बंदे भी खड़े ना है, मेरी छोटी सी अपनी फैमिली है यूट्यूब पर, उसकी अच्छी खासी फैमिली यूट्यूब की, और उसकी फैमिली के बंदों ने भाई बिना सुने उल्टा सीधा सुना भी दिया आगे, तो ये सब चीज़ें यार हर्ट करती हैं। अगर हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ निकालते हैं, अपने प्यारी प्यारी राइडें करके आपको दिखाते हैं, और आप लोग यार आगे उल्टे सीधे कमेंट करते हो, ये बहुत बुरा लगता है। ये मत करा करो, सुना करो बात को पूरा और उसके बाद अपने ओपिनियंस दिया करो।
जा रहे हैं पहले पिट स्टॉप, ठीक है, वहाँ पे भाई वो दोनों आ रखे हैं, अच्छे से बात करते हैं जाके और चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। क्या सेक्सी मिले, सेक्सी है क्या? ये लो भाई सक्षम और दीक्षा साथ भी आ गए भाई, चेक कर रहे हो भाई, दीक्षा हमसे पहले कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई है। हाँ केडी देख रहे हो भाई, सुपर बाइक की लाउड देख रहे हो भाई, और यही मसला था, इसी लाउड की वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई थी हमारी। और भाई कैसे हो, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, मस्त साफ सुनाओ, ठीक हो? चलो अंदर बैठ के बात करते हैं, तरह बिल्कुल हेट मत फैलाओ, बाकी भाई उसी जिस तरह सक्षम को प्यार करते हो उस तरह प्यार करो, और ब्लॉग्स भाई हम अच्छे से ब्लॉग्स निकालेंगे, हमारी तरफ से बिल्कुल हेट नहीं है किसी को, आप भी अपनी तरफ से हेट नहीं फैलाओ यार, ताकि भाई आगे की राइड है साथ में आएंगे यार, एक ही कम्युनिटी के बंदे हैं, क्या लड़ना आपस में यार, वो भी अपना भाई जैसा है यार, एक ही कम्युनिटी के बंदे हम लड़ेंगे आपस में तो भाई साइड वाले क्या ही बोलेंगे, हमें तो सपोर्ट करनी चाहिए चीज़ों की। बस यार हो गया था, एक रिएक्शन रहा था जिसमें दोनों का हाथ उठ गया था, तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। तो भाई यार फाइनली हम आए थे पिट स्टॉप में, और भाई मेरे पीछे सक्षम भाई बैठा है, जो भाई फालतू के दो टू साइड बात सुनने बिना अपना ओपिनियंस दे रहे थे, तो यार ऐसा मत करा करो, बाकी बिल्कुल हेट वगैरह ना फैलाना। अभी भाई हमारा सक्षम भाई भी जुड़ा हुआ है, जो भी अपना हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना था बातों पर, भाई हमेशा गलती दो साइड से ही रहती है, ठीक है, कहीं उनका गुस्सा ज़्यादा हो गया था, कहीं हमारा हो गया था, उस बात पर हम लड़ गए थे अपने दोस्त के लिए, भाई कोई भी कुछ कर लेता है, बात करने गए थे पर वहाँ पर वो सीन हो गया था, तो अभी सक्षम भाई हमारे साथ है, वहाँ पे केडी रहा और दीक्षा भी यहाँ भाई इंजॉय करे जा रही है हमारे साथ ही। तो सक्षम भाई बता दो ऑडियंस को थोड़ा बहुत कुछ, यार जो भी लड़ाई थी अब वो सॉर्टेड हो चुकी है, बाकी कमेंट मत करना यार उल्टे सीधे, ठीक है, आप सपोर्ट करो बाकी और, ठीक है, ठीक है। जब जितनी भी ऑडियंस है हमेशा भाई टू साइडेड बात सुन के ही अपनी ओपिनियंस रखनी चाहिए, तो हमारे बीच भाई सारा सॉर्टेड हो गया है, बिल्कुल हेट वगैरह मत देना। अब भाई ऐसे ही हमारा आगे की वैरायटी वगैरह सक्षम भाई से आएंगे, जितना प्यार उनके व्लॉग्स में दे रहे हो उतना प्यार दो, और फर्दर भाई बहुत मोर वीडियोज आएंगी अपनी बाइक से रिलेटेड। हाँ दीक्षा, हो गया शॉर्ट आउट पूरा? क्या शॉर्ट आउट हुआ? जो हमारी लड़ाई हुई थी गाइस, तो अभी सब शॉर्ट आउट हो गया। उफ गाइस, पहले मेरी और केडी और आदमी की लड़ाई, नहीं पहले मेरी और केडी की, फिर मेरी और आदमी की, फिर मेरी और सक्षम की हो गई। ग्रे चमक रहे हैं, ग्रे चल रहे हैं दीक्षा के ऊपर। गाइस पहले मैं कुंडली चक्कर भाई पंडित के पास जाना पड़ेगा। गाइस पहले मैं गिरी, पहले मेरी इतनी लगी, भाई टाइम ही बुरा चल रहा है दीक्षा का, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी गिर जाती है, कभी कुछ चलता है, कुछ चलता है, कुंडली चेक करवा दे अपनी, ग्रे तो नहीं चल रहे भाई, मुझे वही कराना पड़ेगा। चलो भाई वो गुस्से की बातें थी, और गुस्से की बातें दिल पे नहीं लेना, क्योंकि गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं जैसे वैसे, कोई अपना ओपिनियन भी नहीं देना गुस्से में कभी भी। तो भाई सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, मैं भी चाहता हूँ कि चीज़ें आगे ही खींच के ना चले यार, कोई हेट ना फैलाए चीज़ों में, अपनी दोस्ती अपनी कम्युनिटी के बंदे हम नहीं चाहते हैं कि और वो चीज़ें आगे बढ़ जाएं, अगर उनकी वीडियो पे स्ट्राइक डालें या उनके वीडियो डिलीट करवाने की सोचें, तो भाई अपने कम्युनिटी के बंदे हैं तो भाई गलती लगेगा कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली हमें वो चीज़ें हर्ट करेंगी, तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई अपने कम्युनिटी के बंदे को हम किसी भी तरह से नुकसान दें, ईगो के मसले में हम अपने कम्युनिटी के बंदे को नुकसान पहुँचाएं वो बेटर नहीं है, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट करी। दीक्षा ने भी अपना गुस्सा ठंडा कर दिया और चीज़ों को सॉर्ट कर दिया, कभी बीच में ईगो लाएंगे तो अपनी कम्युनिटी में ही बदनामी रहेगी भाई। चलो भाई फिलहाल के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं, एंड सून मिलेंगे किसी अच्छी और प्यारी राइड में।